अकबर का अर्थ क्या होता है? अकबर का अर्थ क्या होता है? अकबर का अर्थ क्या होता है? अकबर का जन्म कब हुआ? 15 अक्टूबर 1500। अकबर का जन्म कब हुआ है और कौन दिन हुआ था? रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है, रेलवे का क्वेश्चन में पलट करके देखिएगा। और एक जो है इस वजह से भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब अकबर के बाद बादशाह जहांगीर बना था ना, जहांगीर बना था ना, तो जहांगीर ने 2 दिन पशु बलि पर पूर्णतः रोक लगाया था, एक रविवार का दिन और एक बृहस्पतिवार का दिन। बृहस्पतिवार का दिन इसलिए क्योंकि उस दिन को जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ था, और रविवार का दिन इसलिए क्योंकि उस दिन को उसके अब्बा जान का जन्म हुआ था, समझिएगा, अकबर का जन्म हुआ था। क्लियर? हाँ, तो उनकी उनके पिता कौन थे? माता धाया माया परिचायक, धाया माया परिचायक। अकबर के गुरु, गुरु अक्षर का ज्ञान था जी, अकबर को नहीं ना था। लेकिन देखिए, भले अक्षर का ज्ञान नहीं था, लेकिन सब मुगल बादशाह में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास अकबर ने किया। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास कौन किया? पूछा गया प्रश्न है ये, आप पूर्वावलोकन खोल करके देख लीजिएगा, आपको ये प्रश्न मिल जाएगा, कौन ऐसे मुगल बादशाह हुए जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास किया? तो आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। क्या हो जाएगा? नीचे से ये पॉइंट लिखिए तो कॉपी में, लिखिएगा, अकबर अकबर निरक्षर था, अकबर निरक्षर था, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास अकबर ने ही किया, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास अकबर ने ही किया। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास अकबर ने ही किया। चलिए आगे आइएगा, बताइएगा गुरुजी लोग एक बार फिर से, अकबर के गुरु कौन थे? अकबर के गुरु कौन थे? अकबर के बचपन का नाम, अकबर के बचपन का नाम, बचपन का नाम, और जानते हैं जलाली नामक सिक्का चलाया था अकबर, चांदी का सिक्का था ये। नीचे से एक लाइन और लिख लीजिए तो, जलाली नामक सिक्का का प्रचलन, जलाली नामक सिक्का का प्रचलन अकबर ने किया था, जलाली नामक सिक्का का प्रचलन अकबर ने किया था, जलाली नामक सिक्का का प्रचलन अकबर ने किया था, जलाली नामक सिक्का का प्रचलन अकबर ने किया था, अकबर ने किया था। चलिए आगे बताइएगा भाई जी लोग, 9 वर्ष की अवस्था में हुमायूं ने अपने बेटा अकबर को कहां का सूबेदार, कहां का सूबेदार? जब अकबर गजनी का सूबेदार था तो उसका संरक्षक किसे बनाया, किसे बनाया गया? जब अकबर गजनी का सूबेदार था तो उसका संरक्षक कौन बना था? अच्छा, जब अकबर के पिता हुमायूं ने भारत का पुनर्विजय किया, भारत को जीता, तो भारत को जीतने के बाद हुमायूं ने अकबर को 1555 ईस्वी में कहां का सूबेदार, कहां का सूबेदार? और जब अकबर लाहौर का सूबेदार बना तो उसका संरक्षक किसे बना, किसे बनाया गया? बेरम खाना जी। अच्छा, अकबर के शासनकाल में कौन से ऐसे कालखंड है जिस कालखंड को बेरम खां के संरक्षण का काल, 1556 से 1500। अच्छा एक बात बताइएगा कि जब अकबर के पिता हुमायूं का निधन हुआ तो क्या अकबर दिल्ली में था? नहीं ना था, पंजाब में।
था ना आए, और अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? कहाँ? पंजाब में। और अकबर जब अपना राज्याभिषेक करवाया था तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी के नाम से उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया था। और एक बात बताइए, आज के 8 से 10 वाले टेस्ट में पहला ही क्वेश्चन ये दिए हुए थे कि जो है अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ, आंसर पंजाब दिए हुए थे ना, दिए हुए थे, समझ गए। तो अब देखिएगा एक चीज, जब अकबर दिल्ली में नहीं था तो दिल्ली का सिंहासन जो खाली था उसका फायदा कौन उठाए? हेमू ना जी। और हेमू अपने आप को भारत का शासक घोषित किया, हाँ या ना? और जानते हैं हेमू के विषय में कहा जाता है कि हेमू अपने जीवन काल में 22 युद्ध लड़ा, एक भी युद्ध में पराजय का मुंह उसे नहीं देखना पड़ा था। और इसलिए जब हेमू मोहम्मद आदिल शाह का प्रधानमंत्री हुआ करता था तो मोहम्मद आदिल शाह ने उन्हें विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की थी। और भारतीय इतिहास में टोटल 14 शासक हुए जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है, उसमें 14वां और अंतिम शासक हेमू था। 14वां और अंतिम शासक कौन था? हेमू। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम शासक हेमू। और मध्यकालीन भारतीय इतिहास में दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू हेमू, अंतिम हिंदू हेमू था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू कौन था? हेमू। भले चंद दिनों के लिए दिल्ली की गद्दी पर बैठा, लेकिन बैठा तो, दिल्ली और आगरा पर कब्जा तो किया। और जब हेमू ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया तो फिर अकबर ने मुगल सेना को लेकर हेमू के राज पर आक्रमण किया, फिर दोनों के बीच युद्ध हुआ 5 नवंबर 1556 को। अकबर और हेमू के बीच 5 नवंबर 1556 को जो युद्ध हुआ है, उस युद्ध को इतिहास में क्या कहा जाता है? पानीपत का 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच पानीपत के मैदान में जो युद्ध हुआ है, उस युद्ध को इतिहास में क्या कहा जाता है? पानीपत का। इसमें किसकी जीत हुई? फिर जब अकबर की जीत हुई तो अकबर किस शहर को अपनी राजधानी बनाकर शासन प्रशासन करना शुरू? किस शहर को? आगरा। फिर अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से बाद में किसे बनाया? फतेहपुर। और जो फतेहपुर सिकरी था, अकबर के सपनों का शहर था। जैसे आप भी, आपके जीवन में भी कोई ना कोई सपना होगा ना हो कि जब पैसा कमाएंगे तो फलना काम करेंगे, चिल्ला काम करेंगे। लेकिन जानते हैं, एक हम अपना अनुभव बताते, पैसा कमाने लगेगा सब सपना खत्म हो जाएगा, कोई सपने नहीं रहेगा आपके पास, समझ गए। तो जो है आपको, अकबर ने अपने सपनों के शहर के तौर पर फतेहपुर सिकरी को बसाया था। और एक बात यहां पर हम आपको अवगत करवाना चाहते हैं, अगर सीधा प्रश्न ये रहे अकबर ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया, कुछ नहीं सोचना है, फतेहपुर सिकरी मार देना। क्या मारना है? फतेहपुर सिकरी मारना है। इस बात को निश्चित तौर पर आप ध्यान में रखिएगा, समझ गए। अब इसके बाद जो है, जो बेरमखा के संरक्षण का काल है 1556 से 1560, इस अवधि के दौरान बेरमखा के खिलाफ षड्यंत्र मुगल राज दरबार में होने लगा था। आए, और बेरम खां के खिलाफ जो है ना, एक गुट तैयार हुआ था मुगल राज दरबार में, जिसको अतका खेल गुट कहा जाता है, जिसको अतका खेल गुट कहा जाता है। तो बेरम खां के खिलाफ जो षड्यंत्र हो रहा था, उस संदर्भ में बेरम खां के खिलाफ एक गुट तैयार हुआ था, उस गुट को इतिहास में क्या कहा जाता है? अतका खेल गुट कहा जाता है। और आपको जो अतका खेल गुट है, अतका खेल गुट के प्रभाव में अकबर आ गए। दूसरा चीज, अकबर जो है वयस्क भी हो रहा था, जिस वजह से जो है अकबर भी चाह रहा था कि बेरम खां का संरक्षण खत्म हो जाए। तो बेरम खां के खिलाफ जो षड्यंत्र होने लगा था, उस षड्यंत्र को लेकर के बेरम खां ने विद्रोह किया। बेरम खां ने कहां विद्रोह किया? पंजाब के।
कहां विद्रोह किया? पंजाब के, पंजाब के, और फिर बैरम खां और मुगल सेना के बीच युद्ध हुआ, उस युद्ध में किसकी जीत हुई? मुगल, और फिर मुगल सेना ने बंदी बना करके बैरम खां को अकबर के समक्ष प्रस्तुत किया, और जब अकबर के समक्ष बैरम खां प्रस्तुत हुए तो अकबर ने बैरम खां को कितने प्रस्ताव दिए? कितने प्रस्ताव? पहला प्रस्ताव क्या था? दूसरा, तीसरा? अच्छा, बैरम खां ने किस प्रस्ताव को स्वीकार किया? तीर्थ यात्रा पर, तीर्थ यात्रा पर मक्का जाने। और इसके बाद आगे बताइएगा आप हमको, जब तीर्थ यात्रा हेतु मक्का जा रहे थे उसी क्रम में बैरम खां की हत्या किसने कर, किसने कर दी, कहां कर दी, कहां कर दी? गुजरात के, गुजरात के पाटन, समझ गए। और इस प्रकार बैरम खां के संरक्षण का काल समाप्त हुआ। फिर अकबर ने बैरम खां की विधवा सलीमा बेगम से विवाह किया और उसके पुत्र को गोद लिया और उसके पुत्र को खाने खाना की उपाधि दी। क्लियर ना? जब बैरम खां के संरक्षण का काल समाप्त हुआ तो पेटीकोट शासन की शुरुआत हुई। पेटीकोट शासन कब से कब तक? और इसके बाद जो है आगे आप हमको बताइएगा एक बात कि बैरम खां सिया था या सुन्नी? सिया। बैरम खां क्या था? कहां का रहने वाला था? फारस। कहां का रहने वाला?